हम लोग लेते हैं ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस जो लास्ट मंडे दिया था, तो एक दो करेंसी पेयर का मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि क्या लेवल्स हम लोगों ने दिए थे। तो थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ और दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ बोला था मैंने 31 तारीख को लास्ट, उसमें यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी ब्रेकआउट है, कपन हैंडल भी ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन हो रहा है, अब यहाँ से भाग सकता है। टेक्निकली पिक्चर पॉजिटिव है, तक पॉजिटिव है, लेकिन राइट शोल्डर का 109.90 ले लो, जब तक 109.90 प्लस के ना, तो क्लोज होना तोड़ने का मतलब होता है कि ऑपरेटर ने आपको ट्रैप किया है। अगर कई लोगों ने स्टॉप लॉस डंपिंग अगर आपने सुना हो, तो आने वाले नए साल के अंदर में एक और नया क्लोज कर सकते हैं। अगर स्ट्रांग है तो वापस क्लोजिंग देना पड़ेगा। क्लोजिंग का मतलब है कि नीचे डायरेक्शन ओपन करने पे बेहतर है ना, इस तरीके से हम इसको टारगेट तो फार्मूला होता है जब आप क्लासेस करेंगे जो। ये देखो, उसके बाद हम लोगों ने, अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो ये आपका 31 तारीख है, ये वाला दिन था जिस दिन हम वेबिनार ले रहे थे, ये वाला दिन था, और मैंने बोला था यहाँ से ऊपर भगेगा, और आप देखोगे कितना ये ऊपर भगा है इस हफ्ते। उसके बाद लास्ट फ्राइडे को गिरना चालू हुआ है और आज मंडे है, तो ये वाला सिनेरियो है लास्ट फ्राइडे का और ये आज मंडे है, जहां तक ऊपर गया है। और जब मैंने आपको बोला था कि रनअप करेगा तब ये वाला दिन था, वो ये वाला याद आ रहा है कुछ राकेश सर? यस सर, हाँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सब दो एक टेक्निकल पहले बात कर लेते हैं। टेक्निकली देखो, सबसे पहले ये बनाए पैटर्न, ये दो पैटर्न देखो, ये एक तो रेलवे ट्रैक पैटर्न होता है, पहला कैंडल बुलिश, दूसरा कैंडल बेयरिश, दूसरा कैंडल रिवर्सल पैटर्न, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा चार्ट को स्क्रॉल करो, थोड़ी करेगी तो देखो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे, तो ये चीज कंफर्म है। जब तक 1.000 के ऊपर USD बंद नहीं होगा, तब तक ये डाउन साइड है, और नीचे 99 का इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट है। 99 अगर टूटा तो ये 90 और 90 तक आ सकता है। अगर ठीक है, ये ठीक है, तो अब ये देखो हम यूरो यूएसडी लगा लेते हैं। इकतीस तारीख ये 31 तारीख है, डेली चार्ट भी इसका लगा लेते हैं। ये देखो, जिस दिन मैं आपको समझा रहा था, मैंने कहा था ये रेलवे ट्रैक पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है, अगर ये 9900 टूटा तो 9850 9800 तक आएगा नीचे, और ये कहाँ तक मारा है इसने नीचे, 9730 तक नीचे मारा है इसने। ठीक है, तो ये लेवल जो आपको दिए जाते हैं ये ऐसे नहीं दिए जाते, बड़ी रिसर्च के बाद आप लोगों को दिए जाते हैं एनी हाउ, ठीक है ना। आज भी अगर काफ़ी चीज़ कवर करनी है तो पूरा वीडियो नहीं सुना पाऊंगा मैं, तो इतना ही है। और भी चीज़ मेरे को एक तो समझानी थी इसके अंदर, किस तरीके से एनालिसिस को लिया जाता है, समझा जाता है। अभी हम अपनी एनालिसिस चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। लास्ट वीक मैं क्लास ले रहा था, एक स्टूडेंट ने बहुत ही प्यारी बात पूछी, सर हम स्ट्रक्चर को कैसे समझें, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया टूल है लोअर हाई लोअर लोस, हायर हाई हायर लोस। तो ये देखो, ये आपका लोअर लो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये लोअर लो क्या बताता है कि डॉलर इंडेक्स जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है, कोई भी बाउंस बैक आएगा डॉलर इंडेक्स के अंदर तो हमेशा हमें सेल करके चलना है, क्योंकि ये वाली जो वेव होती है, ये वेव होती है आपकी करेक्टिव वेव, ये होती है करेक्टिव वेव। अब इन करेक्टिव वेव को हम गलती से कई बार तेजी समझ लेते हैं, इन करेक्टिव वेव को हम कई बार गलती से तेजी समझ लेते हैं, ठीक है ना। और देखो उसी के बाद से नीचे आना चालू होगी, यानी जब तक क्या है 113.37 का लेवल है, जब तक 113.40 ले लेते हैं राउंड फिगर के अंदर, जब तक 113.40 के ऊपर डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट में बंद नहीं होगा तब तक इसमें तेजी नहीं आएगी।
और अगर 113.40 के ऊपर बंद हो गया तो कम से कम 200 से 300 पीपीए मूवमेंट ऊपर दे सकता है, 116 से लेकर 117-18 डॉलर तक ही ऊपर जा सकता है। नीचे कहाँ पे आ सकता है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि 109.90 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है ना। तो 2 घंटे का चार्ट हम लगा लेते हैं इसके अंदर, और 2 घंटे के चार्ट के अंदर देखेंगे, मैंने आपको बोला था 109.90, आज लो कितना लगाए 109.96। जिस दिन FOMC का डेटा आया था उस दिन लो कितना लगा था 110.03, तो 109.90 अभी भी डॉलर इंडेक्स नहीं तोड़ पा रहा है। तो 109.90 का स्ट्रॉन्ग बेस है, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है 109.90, ये रीजन मैंने आपको लास्ट वेबिनार में भी दिया था कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर का जो सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूट गया या इसके नीचे बंद हो गया तो इसकी मामला खराब हो जाएगा, फिर ये इस लो को भी तोड़ने नीचे जाएगा। जब तक 109.90 नहीं टूटता तब तक हमारे पास एक उम्मीद है, एक उम्मीद की आखिरी किरण है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर आ जाए और यूरो वगैरह जीपीपी वगैरह नीचे गिर जाए। लेकिन अगर 109.90 के नीचे चला गया तो इसमें एक मतलब अच्छी खासी हलचल आपको देखने को मिल सकती है, और अच्छा खासा डाउनफॉल आपको डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो 109.90 के बाद 109 डॉलर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका, और 109 डॉलर के बाद सीधे 108 डॉलर, ठीक है। 109.90 अगर नहीं टूटता है तो वापस 110.50 को ये कंसिडर करेगा एज ए रेजिस्टेंस, और अगर 110.50 के ऊपर आ गया तो 111.50। लेकिन चांसेस अभी बहुत लेस हैं इसके ऊपर जाने के, चांसेस यही है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर या शाम के अंदर या कल के अंदर 109.90 को तोड़ दे। तो बहुत ज्यादा आपको बुलिश नहीं होना डॉलर इंडेक्स में, ये थोड़ा सा बेयरिश ही रहेगा अभी, ठीक है। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी 9900 के ऊपर बंद हो गया, अगला रेजिस्टेंस मैंने बोला था 1.000, उसी लेवल को देखो टच करके वहां से 20-25 पिप आउट नीचे गिरा है। तो जिन लोगों ने इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ सेलिंग की बिल्ड लगाई होगी 1.0000 पे, आज हाई कितना लगाया 0007, मतलब 7 पिप ऊपर गया हमारे रेजिस्टेंस लेवल से और वापस वहां से 20-25 पिप गिर गया। तो जिन लोगों ने बिड लगाई होगी उनको अच्छा खासा 15-1 पिप का प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो स्कैल्पिंग के लिए, अदरवाइज यूरो यूएसडी अभी तेज है, मंदा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सेल करने की भूल मत करना, क्योंकि वो जो एनालिसिस थी वो थी लास्ट वीक की एनालिसिस, अब ये जो है ये है फ्रेश एनालिसिस। आज के टाइम में इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग की बिड लगा रखी है 1.0050 पे। अगर यहाँ तक यूरो यूएसडी जाता है आपका तो यहाँ पे आपको सेल करना है, 0050 के आसपास सेल करना है आपको, 10 पिप प्लस या माइनस वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा इंटरडे में, जहां भी आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा हो इस जोन के आसपास, इस सेलिंग लेवल के आसपास, तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा आपका 1.0100 का। अगर इसके ऊपर यूरो यूएसडी क्लोज हो जाता है तो यहाँ से आपको 200 पिप की कम से कम तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज ये यहाँ से वापस इस लेवल से 100 पिप कम से कम गिरेगा, यानी 9950 तक ये नीचे टच करने आना चाहिए। तो अभी हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, अभी तो दिन चालू हुआ है, शाम बाकी है, पूरी रात बाकी है। तो ये 1.003040 तक टच कर सकता है इंट्राडे में आज, तो उस लेवल पे अगर आता है तो सोने पे सुहागा है, वहां पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, और वहां से आपको गारंटेड 40 से 50 पिप इजीली मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अभी जल्दी मत करना, पूरा दिन बाकी, हो सकता है शाम को एक और ब्रेकआउट दे दे और हो सकता है ना भी दे। तो कल को आप कहोगे यार सर ने ट्रेड नहीं लेने दिया, यहाँ से 40 पिप गिर गया, उगर गया, तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं कहाँ सेलर हूँ, मैं 1.0030 से 40 के बीच में सेलर हूँ यूरो यूएसडी के अंदर। स्टॉप लॉस मेरा बताई दिया मैंने आपको, 1.0100 पे रहेगा मेरा एसएल, और टारगेट मेरे 9950 के नीचे के रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड दी प्राइस एक्शन, जो मैं एडवांस में प्रेडिक्शन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है इसके अंदर। अभी शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की पुष्टि बन रही है जो नौ सीखी है, जो नए ट्रेडर्स आए हैं बाजार के अंदर, जो सोच रहे हैं रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे ठोक दो, तो कई बार बाजार उनको सही भी प्रूफ कर देता है, बाजार नीचे भी आ जाता है। लेकिन जब बाजार को अच्छी खासी लेनी होती है ना, तो वो न सिर्फ आपकी पोजिशन इकट्ठी करवाएगा और यहाँ से ब्रेकआउट देके इस लेवल तक टच करने जरूर ऊपर जाएगा। सर तो शॉर्ट कहाँ पे करना है? 1.0030 से 40 के बीच में इस लेवल के आसपास, ओके ये 10 पिप प्लस पिप, 10 पिप प्लस माइनस हो सकते हैं, वो देख लेना इंट्राडे में कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कोई रेड कैंडल बना रहा है नहीं बना रहा, वहां पे शॉर्ट करना, उससे पहले शॉर्ट नहीं करना। और कोशिश करना
कि ऐसा नहीं कि लेवल आते शॉट मार दो, यहाँ पे पहले देखना एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए, रेड कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद शॉट मारना। वो कौन से टाइम फ्रेम में? दो घंटे के चार्ट हुए। ओके अब इसमें भी तरीका होता है सर मनी मैनेजमेंट रूल के अंदर, जैसे कि मान के चलो मेरे को ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है या नहीं, तो मेरा कैपेसिटी है 0.10 लॉट मारने की, तो मैं उस वक्त जैसे ही लेवल टच करेगा मैं यहाँ पे 0.01 शॉट मारूंगा, और जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगा कंफर्मेशन मिल जाएगी तो मैं बैलेंस 0.09 मारूंगा। तो इससे फायदा क्या है कि कंफर्मेशन पे मैंने पोजिशन ऐड कर ली, अगर मान के चलो एकदम रेड कैंडल ही एकदम नीचे बन गया, 40 पिप गिरने के बाद बन गया, तो मेरे को शॉर्ट मारना नहीं चाहिए, मैं शॉर्ट नहीं मारूंगा, 40 पिप नीचे गिर गया, फिर मैं 0.01 में जो प्रॉफिट आ रहा है वो लेके निकल जाऊंगा। अगर मान के चलो यहाँ छोटी सी रेड कैंडल बना दी तो उसका मतलब ये कंफर्म है कि अब थोड़ा थोड़ा निकल के नीचे आ जाएगा, और अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस तो कम, मतलब कम लॉट साइज है आपके पास, तो आप कम में बाहर निकल जाओगे। तो ये डिसाइड करना कि कब क्वांटिटी बढ़ानी है कब क्वांटिटी गिरानी है, यही तो खेल है सारा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कोई भी लेना देना नहीं है, सारा खेल इस चीज का कि कब क्वांटिटी बढ़ानी है कब घटानी है, बस जिस दिन आपको समझ में आ गया उस दिन बाजार आपके लिए बच्चों वाला खेल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। जीबीपी यूएसडी मेरे लिए 1500 पे रेजिस्टेंस है, 1500 के ऊपर इसको क्लोज नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि आज इंट्राडे में कुछ इस टाइप का कैंडल बना दे 1500 के ऊपर 20-30 पिप चला जाए, लेकिन क्लोजिंग जैसे इसने यहाँ पे नीचे करी वैसी सेम क्लोजिंग आज इसको यहाँ पे ऐसे करनी चाहिए। तो मैं तो बेसिकली सेलर हूँ जीबीपी यूएसडी के अंदर, तो इसमें अभी ये 15 मिनट के चार्ट में जाके देखूंगा कि कहाँ पे आपका और अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर पिवट पॉइंट वगैरह लगा देखूंगा, और जहां भी मेरे को रेजिस्टेंस मिलेगा मैं इसको सेल कर दूंगा। मन तो मेरा इसका यहीं पे सेल करने के लिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर यूरो यूएसडी यहाँ से 30-40 पे भगा तो ये भी 30-40 पे कम से कम इंक्रीज होगा, और 30-40 पे का इंक्रीज का मतलब है 1500 के लेवल को एक बार तोड़ेगा तो वहां पे मैं शॉर्ट मारूंगा इसको। तो वहां से अगर ये 1460 भी आया तो 40 पे मेरे को सूखे सूखे मिल जाएंगे, अगर ये बंदी 1500 के ऊपर हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। तो इसलिए बेटर क्या है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट मारने की जगह वेट करूँ 1500 के आसपास आने का, 1500 के लेवल तोड़ने का या उसी के आसपास आने का, और वहां पे मैं एक शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करूंगा। बताइए समझ में, यस बाय मैं सर। अभी नहीं करूंगा, 1500 के तोड़ने के बाद ही मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा, और वहां पे मैं 20 पे 25 पे 40 पे जैसा मेरा माहौल बनेगा, जैसे मेरी सकम चांसेस बनेंगे, जैसे सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंगली आई विल बुक दी प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो क्योंकि आज इंस्टीट्यूशन के लेवल के हिसाब से 1500 के ऊपर बंद नहीं होना चाहिए जीबीपी यूएसडी। हालांकि मैंने आपको बता दूं कि मैंने यही एक 0.01 के शॉट मार दिया है, बाकी जो भी पोजीशन बनानी है मेरे को मैं 1500 के आसपास ऐड करूंगा, हैवी पोजीशन अपनी, वहां भी थोड़ा बहुत कंडीशंस कैंडल वगैरह देख के ऐड करूंगा मैं। तो यहाँ पे अगर गिर जाएगा नीचे 30-40 पे तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, नहीं तो ऊपर जाके अच्छा खासा लॉट बेच के प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जीबीपी यूएसडी अगर मान के चलो 1500 के ऊपर बंद हो जाता है, ये तो एक व्यू है कि सेलिंग कहाँ करनी है, बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग अभी डिप पे करनी है, डिप कहाँ तक है वो मेरे को अभी नहीं पता, ये 1250 तक आएगा, लेकिन एक चीज मेरे को पता है जब तक ये वाला लो नहीं टूटता तब तक हर डिप इसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हर डिप इसके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये लास्ट उसमें भी मैंने आपको बोला था कि मेरे को जीबीपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है यूरो के कंपैरिजन में, वो मैंने आपको ये भी बोला था कि 1500 का लेवल अगर टूटता है तो ये 1250 तक 1300 तक आ सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा टूट गया, मेरे को था कि यूरो ज्यादा टूटेगा जीबीपी इतना नहीं टूटेगा, लेकिन उसके विपरीत यूरो उतना नहीं टूटा जितना जीबीपी टूट गया, लेकिन 1500 के नीचे मैंने प्रेडिक्शन किया था कि 1250 और 1300 के लेवल आएंगे, वो अचीव हुए, और अभी भी क्योंकि मेरी स्ट्रांगनेस बनी हुई थी जीबीपी के अंदर इसलिए अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली, ठीक है ना। अब एक सोचने वाली बात है ट्रेडर के रूप में कि ऐसा क्या हुआ जीबीपी यूएसडी के अंदर कि यार या तो ये इतना गिर गया, ये छोड़ो ये एक दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि यहां से लेकर यहां तक गिर गया, कितना पिप गिर गया, 1421 से लेकर 1151 यानी 150, 180 पिप क्या हुआ इसके अंदर, 180 पिप गिर गया, और ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन ये 180 पे भग गया और उसके बाद फिर और भग गया, या सेंटिमेंट से क्या बिगड़ गए थे जीबीपी के जो 2 दिन में सुधर गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनिपुलेशन, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बाजार में मैनिपुलेशन होता है, आपको अपनी पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ती है, फेवर लॉस में चेंज करनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। पंद्रह सौ के ऊपर जीबीपी यूएसडी बंद हो जाए लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लेना, फिर तो आपके ये सारे लेवल जो ये प्रीवियस आई है ये भी टूटेंगे, और 1500 के ऊपर अगर बंद नहीं होता है तो ये नीचे आपको 1350
और 1250 डेफिनेटली आपको लेवल देखने को मिलेंगे GBPUSD का। USDC मैंने शॉर्ट किया था और अभी भी शॉर्ट बन रहा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल इसने तोड़ा है तो शॉर्ट बनता है और यहाँ पे 98, 60, 70 तक आ सकता है। और इसका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा, जस्ट आज के हाई का जो है स्टॉप लॉस रहेगा, अगर आज का हाई कर जाता है तो एग्जिट, नहीं तो अदरवाइज नीचे के लिए 9870, 9860 का टारगेट है USDCHF का। तो यहाँ पे अगर बेचो तो कम ही लॉट बेचना, क्योंकि अगर रिवर्सल आया तो अच्छा खासा रिवर्सल आपको ऊपर मिल सकता है। USD कैड अगर आप लो तोड़ देता है फ्राइडे का, ये वाला लो अगर आप तोड़ देता है दोबारा, तो इसमें कम से कम मान के चलो 100 पिप की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी जो लो है इसके लो के नीचे आपको सेल करना है, ये वाला हाई का स्टॉप लॉस रखना है और नीचे कम से कम 100 पिप का आपको टारगेट लेके चलना है USD कैड के अंदर। तो ध्यान रखना अगर आपकी बार लो टूटता है तो आपको सेल पोजिशन क्रिएट कर लेनी है, ऊपर जो स्विंग हाई है रिसेंट स्विंग हाई उसका स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट मिनिमम 100 पिप्स का रखना है USD कैड के अंदर। ये देखो USDJPY ने आपका फ्राइडे को सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है और ये बहुत बढ़िया लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट बनता भी है। और सुबह मैंने न्यूज़लेटर में भी शायद 47 के उतने के आसपास शॉर्ट दिया था, याद नहीं है मेरे को, राइस पे 70 के आसपास दिया था शायद, वो लेवल अचीव हुआ नहीं शायद, अभी 47, 56 गया और वहां से नीचे गिर गया। तो ये शॉर्ट बनता है और ये 45, 20 को टच करने नीचे आ सकता है USDJPY, क्योंकि इतने बहुत बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पर ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है ना। तो ये जब तक 149, ये वाला मानो, ये 149 जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये सेल में है। अगर 149 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो जैसे मैंने पहले बोला था मैं 151 के टारगेट्स लेके चल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं तब भी वैलिड रहूंगा मैं, लेकिन जब तक 149 का लेवल नहीं टूटता तब तक ये मेरे लिए नीचे है। गोल्ड, गोल्ड मैंने बोला था कि 1610 तक आना चाहिए, आप वीडियो जाके देख लेना नीचे कितना लगाया इसने, 1616, जो 6 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया। और ऊपर मैंने बोला था कि अगर 1680 के ओवर बंद हो गया तो अगला टारगेट 1700, 1710 का है। ये रिवीजन आप कर लेना, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज हैं आप देख लेना, उसमें क्लियर बोला हुआ है कि इस बार अगर 1680 के ऊपर बंद हो गया तो 1700 से 1710 इसका नेक्स्ट टारगेट है। फ्राइडे को ये 1680 के ऊपर बंद हो गया था दोस्तों, अब हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के अंदर, ये 1700 के लेवल को, 1710 के लेवल को जरूर टच करेगा इस हफ्ते के अंदर। पहली बार 1650 अब इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 1650 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर 1650 के नीचे बंद हो गया तो ये वापस पुरानी रेंज में आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज जब तक ये 1650 नीचे उड़ता है हर डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये 1700 के लेवल को टच करने कभी भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है ऊपर नीचे, ठीक है ना। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1680 पे आप 1700 के लिए बाई करो और नीचे गिरेगा तब आपका 1650 है, मतलब नीचे गिरने के लिए 30 पॉइंट है, ऊपर बढ़ने के लिए 20 पॉइंट है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर ये नीचे गिरता है 1660 के आसपास तो वहां बाई करो 1650 के सेल के साथ, अदरवाइज आपको अभी नहीं करना है। 1700 के आसपास एक शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो आप 1710 के सेल के साथ, अगर 1710 के ऊपर बंद तो निकल जाना बाहर, नहीं तो 1700 पे शॉर्ट करके बहुत लंबा टारगेट मत लेना, 5 पॉइंट का 10 पॉइंट का टारगेट जो भी मिलता हो लेके बाहर आ जाना, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई भी करेंसी पेयर अगर आप चाहते हो तो आप मेरे से चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। क्रूड ऑयल दोस्तों तेज है आपका, जब तक $88 के नीचे अभी बंद नहीं होता, ऊपर इसके अगर खुले हुए हैं $95, $96 के लिए तो अभी तेजी रहने वाला है आपका। और अगर ये तेज रहने वाला है तो ऑब्वियसली बात है डॉलर इंडेक्स नीचे रहेगा तभी ये तेज रहेगा, तो ये तेज है। यस प्रतीक जी, USD कैड बता देता हूँ, तो स्पॉट क्रूड तेज है सर,
सर यूएसडी कैड का लो है आज का 1.3465, अगर 1.3465 टूटा तो ये जरूर 60 पिप तो गिरेगा गिरेगा, लेकिन मेरा टारगेट है कि कम से कम 100 पिप भी गिरना चाहिए यहाँ से। तो 1.3465 के नीचे शॉर्ट होना है, ये वाला जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि जैसे आपको 60 पिप मिल जाए तो आप 75% तो प्रॉफिट बुक कर लेना, बाकी 25% अपना ब्रेक इवन पे एसेट डाल के ट्रेल कर लेना। द पर्सन यूजिंग द आईडी रेडमी सर, प्लीज आप अपने नाम से लॉग इन हुआ कीजिए या अपने नाम को प्रोफाइल नेम चेंज कर लिया कीजिए ताकि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊँ। जी बी पी एच डी मैंने बता ही दिया आपको कि 1500 का एसएल के साथ शॉर्ट पोजीशन बनती है मेरे हिसाब से, तो 1.1500 एक बार ये टच करना चाहिए, क्योंकि यूरो थोड़ा सा तेज लग रहा है मेरे को यहाँ से, तो 1500 के आसपास आप शॉर्ट करो, या आप चाहो तो यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हो। नीचे टारगेट मेरे लिए 1400 के हैं, एक बार 1400 नीचे आना, 1.14 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी RSI भी 50 के लेवल को होल्ड कर रही है तो सेफर जोन के लिए मैं वेट करूंगा कि एक बार ये 50 पे और यहाँ से ऊपर चला जाए, उसके बाद शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँ मेरे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां से फिर डेफिनेटली 1450 और 1400 उसको वापस आना ही आना है। अगर बाय मिस्टेकन मेरी एनालिसिस गलत हो गई और ये 1500 के ऊपर आज क्लोज हो जाता है तो यहाँ से फिर ये 1600 फिर 1750 तक के लिए अगर खुल जाएंगे, इसके लिए मेरे 1750 से पहले नहीं रुकना चाहिए। तो अगर किसी का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए और पैसे बनाने हो और 1500 के ऊपर ये बंद हो जाए तो उसको बाय करके छोड़ देना GBPUSD को, आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। एनी अदर क्वेरीज गाइस? कोई अदर करेंसी पेयर्स यू वांट मी टू आस्क टू डिस्कस? GBP CHF GBP CHF डिस्कस कर लेते हैं सर। भैया GBP CHF डिस्कस कर लेते हैं। GBP CHF देखो आज मैंने क्या जल्दबाजी में क्या किया, मेरे को लगा ये लेवल टूट देगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, मैंने आज सुबह यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था और ये वाला एसएल था मेरा, एकदम से एसएल खा गया की कैंडल। और जीबीपी सीएचएफ के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत है, और एज ए ट्रेडर के साथ भी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो वेट नहीं करता। अगर मैं वेट करता इस लेवल को टूटने का तो शायद बच जाता, लेकिन मैंने अपने क्या किया, अपने ही रूल्स को मैंने डिनाई कर दिया और जल्दबाजी में मेरे को लगा कि ये तोड़ देगा तो ये टूट भी जाता, लेकिन एकदम से भगा। तो अब ये जो कैंडल है ये जो अभी हाई बनाया है, अगर ये इसका हाई नहीं टूटता है तो ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, अभी आपको 30-40 पिप नीचे आ जाएगा। अगर ये हाई कट गया तो फिर ऊपर फ्लाई हो जाएगा दोस्त, लेकिन स्ट्रक्चर इसका वीक ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जीबीपी अगर बड़ा बड़ा मोमेंटम देगा तो ये बड़ा बड़ा मोमेंटम ये भी देता है। जीबी देखो यहाँ बड़ा बड़ा मोमेंटम देता है, एक दो कैंडल नीचे बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट कर दिया, तो हो सकता है यहाँ भी आज के दिन कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट मार दे। तो इस बार ध्यान रखना है कि अगर आज का हाई टूट जाता है तो यहाँ से तेजी खेलनी है अपन को, मंदी नहीं खेलनी है, ठीक है ना, मंदी नहीं खेलनी है। या फिर दूसरा तरीका एक और बताता हूँ, आप जीबीपी यूएसडी का रेजिस्टेंस नोट कर लेना। जीबीपी यूएसडी अगर 1500 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है तो जीबीपी यूएसडी के हिसाब से जीबीपी सीएचएफ में शॉर्ट करना, तो इसमें आपको पिप मिल जाएंगे। इसके चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करना, इसके चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करना, क्योंकि जितने भी इसकी मदर कैंडल है, जितने भी इसके मदर है जीबीपी के, जितने भी उस पर चलता है, और सबके जो बाप है वो जीबीपी यूएसडी है, ठीक है ना। तो जीबीपी यूएसडी पे खासतौर से नजर रखना, जीबीपी यूएसडी रुकेगा तो ये भी रुक जाएंगे। ये भी कार होता है कि अलग हटके चलते हैं, लेकिन 90% केसेस में काम कर जाती है थ्योरी। तो जीबीपी सीएचएफ पे शॉर्ट मारना तो जीबीपी यूएसडी लेवल देख के शॉर्ट मारना, अगर जीबीपी यूएसडी पे स्टॉप लॉस काट रहे हो तो जीबीपी सीएचएफ पे काट लेना, ठीक है ना। एयूडी जीपीवाई कल्पेश जी, अच्छा ट्रेडर को ना एडजस्टमेंट बैठानी पड़ती है। अगर मैं आपकी आप मेरी जगह होते तो आप अब तक जीबीपी सीएचएफ में लेके बैठे होते और एक लॉट और शॉर्ट मारते ऊपर, आप कहते नहीं नीचे आ जाएगा, मेरा वो काम नहीं है। स्टॉप लॉस कट गया कट गया, उसके बाद मैंने दुनिया भर की पोजीशंस बना ली, यूएसडी सीएचएफ शॉर्ट कर दिया मैंने, एयूडी कैड बाय कर लिया मैंने, ठीक है ना। मुझे सर ये साइडवेज जोन में है, लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव है, तेज है, क्योंकि मैंने खुद ने भी एयूडी कैड में पोजीशन बनाई है, और यूएसडी जेपीवाई को भी अगर देखूं तो जेपीवाई वीक है तो एयूडी उस हिसाब से स्ट्रांग है,
ठीक है ना। तो यूडी जेपीवाई सर आपका पॉजिटिव रहेगा, 9550 का आपका रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर चला गया तो ये $96 तक टच करने ऊपर जा सकता है यूडी जेपीवाई। ये मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था, मंथली चार्ट भी देख रहा था, ये पॉजिटिव है मेरे लिए। तो ये जब तक $93 नहीं तोड़ता तब तक पॉजिटिव है, ये $96 तक ऊपर जा सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस एक बार ये रेजिस्टेंस लेवल इसका 9550 का है इमीडिएट बेसिस पे, ये जरूर रुकावट का काम करेगा इसका, अदरवाइज ये मेरे लिए बुलिश कैंडिडेट है। एनी अदर क्वेरीज? राजेश सर आज बिल्कुल यूनिक ही सीखेंगे आज, नहीं यूरो जीबीपी। क्या सर? हाँ मैं सुना नहीं, आपने कुछ बोला? कहाँ चले जाते हैं? नहीं वो अनम्यूट मतलब वॉइस नहीं आ रहा था। अच्छा वॉइस नहीं आ रहा, मैं कहा कुछ यूनिक चीज सीखेंगे कुछ। श्योर सर। सर बोर्ड का क्या हुआ सर? बोर्ड का दिखाता हूँ सर अभी। अच्छा आपने पूछ लिया, मैं दिखाना चाह रहा था, दिमाग से निकल गया मेरे, अभी दिखाता हूँ। एक बार एनालिसिस करता हूँ, बोलो फिर बोर्ड दिखा देता हूँ। आप देने वाले थे ना इसके बाद सर? नए साल पे दे देंगे सर आप। सर आप हमारा नया साल तो आ चुका है। अच्छा ले लेना सर, ले लेना सर। आपने नए साल की मिठाई तो भेजी नहीं, आपने हमको कैसे पता लगेगा आपका नया साल आया नहीं आया? देता हूँ। यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी। अच्छा इसमें कभी भी फैक्टर नोट करना है, यूरो जीबीपी देखो एक तो तेज है आपका, क्यों तेज है? क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना, 4 घंटे के चार्ट में। ये इसकी नेकलाइन है, ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये नहीं टूटता तो छोटे मोटे आपको फॉल मिलते रहेंगे। लेकिन अगर ये वाला हाई टूट गया आज का, टूटने का मतलब है कि कैंडल क्लोज होना 4 घंटे के चार्ट पे। अगर कैंडल क्लोज होगी तो यहाँ से फिर अगला टारगेट इसका 8900 का है और 9000 का है, यहाँ तक ऊपर जा सकता है। जैसे ऐसे मूवमेंट दी ना, ऐसी मूवमेंट कभी भी आ सकती है इसके अंदर। तो ये बुलिश सिनेरियो बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तेजी है, मंदा नहीं है यूरो जी। अब मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। बारिश हमें बड़ा याद करती है। जो सर आपका प्रॉफिट डबल हो गया है 2 महीने में। राजेश सर दिख रहा है? हेलो राजेश सर, कहाँ चले गए? राजेश ठक्कर सर, वत्सल पापा हैं, चले गए बेटा? यस सर हूँ मैं। अरे कहाँ गाते हो सर? ये देखो पता नहीं म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा ये प्रॉफिट सर डबल हो गया अकाउंट 2 महीने में, ठीक है ना। और करंट में अभी ट्रेड चल रहे हैं, $27 महीने चल रहा है अभी, ये ट्रेड चल रहे हैं अभी। जीबीपी यूजी सेल पोजीशन ले रखी है इसने भी, ठीक है। 2053 का बैलेंस हो गया, और ये अभी चालू किया था अपन ने, आपको दिखाया था, जो लोग नए हैं उनको दिखा देते हैं। 13 तारीख को चालू किया था, 13 सितंबर को, 13 सितंबर को, और आज 7 नवंबर है, यानी अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। 2 महीने पूरे होने में अभी 5 दिन बाकी हैं। $1000 का बैलेंस डाला था इसमें, उसके बाद कोई भी बैलेंस ऐड नहीं किया, $1053 का प्रॉफिट है। और इसमें सारी मूवमेंट्स आ गई, अभी आपका FOMC का डेटा का भी मूवमेंट आई थी ऊपर नीचे, उस दिन थोड़ा सा इसने डराया था, उस वक्त ये $250 के आसपास नेगेटिव हो गया था माइनस,
जब इस दिन FOMC का और अगले दिन ये नॉन फार्म पेरोल डेटा का आया था, उस दिन मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद सारे कवर अप कर दिया इसने, वंडरफुल है। ठीक है राजेश सर, यस सर। चलो अब हम अब स्ट्रेटेजी दे दो ये सब स्टार्ट कर दो। देते हैं सर, देते हैं करते हैं सर। आज की स्ट्रेटेजी दोस्तों चलते हैं, और आज की स्ट्रेटेजी अपने आप में बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी है, और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, मतलब थोड़ी सी पोजिशनल बेसिस पे, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया हमारा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उस पर चलेंगे अब हम लोग। तो सबसे पहले एक ही इंडिकेटर लगाएंगे हम, डोंचन ट्रेंड रिबन, डोंचन ट्रेंड रिबन लगाएंगे, लोन सम थ्री सम वाला, और इसकी सेटिंग में जाके हम कर देंगे 500, और कुछ नहीं करेंगे। चार्ट 1 घंटे का यूज करेंगे, यहाँ तक ठीक है सर? यस सर। ठीक है, 4 घंटे का यूज करेंगे दोस्तों, और इसमें हम कुछ नया आज यूज करने जा रहे हैं। आज हम इसमें यूज करने जा रहे हैं रेनको चार्ट। अब जिनको नहीं पता है कि रेनको चार्ट क्या होता है, वो आप गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, या हमारी एडवांस क्लासेस ज्वाइन कर लेना। अब जो नए नए कॉन्सेप्ट, हम नए नए कंटेंट लेके आ रहे हैं, उसमें बहुत नई चीजें लेकर आ रहे हैं। अब रेनको चार्ट क्या होता है कि मान के चलो इसमें आपने बॉक्स बनते हैं, कुछ ऐसे बॉक्सेस बनते हैं। अब इस बॉक्स की एक विड्थ होती है, जैसे मेरे को ये बॉक्स बनाना है, मेरे को 5 पिप का, 5 5 पिप के मेरे को बॉक्स चाहिए, तो मैं 5 5 पिप के बॉक्स डिफाइन कर दूंगा कि जब जब 5 पिप पूरा कंप्लीट होगा तो 5 पिप का एक बॉक्स बन जाएगा, दूसरा बॉक्स 5 पिप का बनेगा, तीसरा बॉक्स 5 5 पिप का बनेगा। अगर मेरे को 1 पिप का बॉक्स चाहिए तो मैं 1 पिप का बॉक्स बना सकता हूँ, 10 पिप का बॉक्स चाहिए मैं 10 पिप का बॉक्स बना सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड जब हम रेनको चार्ट यूज करते हैं, और एक होता है आपका ATR बेस मेथड, ठीक है ना। ATR बेस मेथड होता है और एक फिक्स होता है, तो इसमें हम थोड़ा फिक्स वाला यूज करेंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं, चार्ट में जाएंगे, चार्ट पे क्लिक कर देंगे रेनको, अब इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में यहाँ पे दो होते हैं, एक ATR होता है बॉक्स साइज, एक ट्रेडिशनल होता है, तो ट्रेडिशनल यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.0001। क्यों लिखा मैंने 0.001, क्योंकि डेसिमल के बाद जो चौथी डिजिट होती है वो क्या डिफाइन करती है, वो पिप को डिफाइन करती है। राजेश सर किसको डिफाइन करती है? 1 पिप को, 1 पिप को डेसिमल के, क्योंकि ये 4 डिजिट फिगर है, वो तो 5 डिजिट है, पांचवा मैं काउंट नहीं करता हूँ पिपिट को, मैं डेसिमल के बाद 4 डिजिट ही काउंट करता हूँ जो कि मेन होती है, ठीक है ना। ये तो फॉरेक्स ब्रोकर जितने भी पूरे वर्ल्ड में, उन्होंने अपने फायदे के लिए इसको पिपिट को यूज करा है, इसके पीछे क्या अलग कहानी है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी कभी बात करेंगे हम। देखो GBP USD कहाँ था, 57 था, कितना आ गया, 38 आ गया, जिसने शॉर्ट किया उसको तुरंत मिल गए $2 0.01 में। मतलब कहने का मतलब है कि तरीका बता रहा हूँ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का कैसे क्या है, और लेवल्स कैसे, कितना भग रहा था GBP USD, ऐसा दिखा रहा था कि क्या कर देगा वहां पर, वहीं से देखो नीचे आ गया। तो डेसिमल के बाद 0.0001 1 पिप का मेरे को बॉक्स बनाना है, ओके कर दूंगा, ये मेरा 1 पिप का बॉक्स बन गया, ठीक है, ये मेरा 1 पिप का बॉक्स बन गया। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक थोड़ी चीज है, जो कि मेरे एडवांस कोर्स का पार्ट है, तो मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, आपको लगाना कैसे रेनको चार्ट वो बता दिया मैंने आपको, कितने पिप का बॉक्स बनाना है वो मैंने बता दिया, साथ में इंडिकेटर है वो बता दिया, अब इसको ट्रेड करना कैसे ये मैं बताता हूँ आपको। अच्छा अब इसमें क्या है, ये बॉक्सेस में जाते हैं थोड़ा सा। राजेश सर यस सर, जहां पे मेरा कर्सर है, कर्सर के नीचे देखना एकदम टाइम आ रहा है और डेट आ रही है, क्या आ रहा है पढ़ के बता सकते हो? एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है नीचे, जिसको मैं हिला रहा हूँ, 3:30 का टाइम है, बस बस इतना 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 3:30 का टाइम है, 19 अक्टूबर, ठीक है ना, बुधवार का दिन है। तो अब जैसे जैसे मैं हर एक बॉक्स पे लेके जाता हूँ, तो देखो अभी टाइम वही है 3:30, तो उसके बाद टाइम क्या बदला, 4:30 हो गए,
तो ये जब इससे पहले जब 15:30 के बाद जब एकदम से टाइम बदला, जब 3:30 के बाद बिल्कुल नया बॉक्स बनना चालू हो गया ना, तो इसका मतलब वहां तक बॉक्स बन चुके हैं, ठीक है, ये कंफर्म हो चुका है। नया टाइम आने का मतलब है कि अब नया बॉक्स बनने चालू होंगे, ठीक है जी। तो अब मेरे को क्या करना है, ये जब 3:30 वाला बॉक्स खत्म होगा, कहां पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, इससे इससे एक बॉक्स पहले चला जाऊंगा मैं, यहाँ पे खत्म हुआ, इस बॉक्स के ऊपर देखो वैल्यू आ रही है, ऊपर कितनी आ रही है, लो क्लोज में देखना कितनी आ रही है, लो पॉइंट पकड़ना है इसमें, लो ये क्लोजिंग वैल्यू पकड़ना ला 1.1256, ठीक है। नीचे डॉन्चेन ट्रेंड रिबन रेड है, यस सर, मैं शॉर्ट कर दूंगा, शॉर्ट कर दिया मैंने, उसके बाद देखो नीचे कहां तक आया, क्लोजिंग वैल्यू बताना सर, 1195, ठीक है, 1195 आया। अब मान के चलो जहां आपने शॉर्ट किया इसको 1.1256 के ऊपर, ठीक है ना, वहां से अगर ऊपर जाने लगता तो क्या करते हैं अपन, ये तो चलो प्रॉफिट बुक कर लिया, अब हम थोड़ा सा लेवल देखते हैं, मान के चलो ये ऊपर आ गया सर, ठीक है, ये लेवल ले लेते हैं, यहाँ पे ये लेवल आ गया 1254, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा, पोजिशन ट्रेड बता रहा हूँ, जैसे ये ऊपर ऐसा बन के तिकोना हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी लेवल होगा मैं शॉर्ट मार दूंगा एक लॉट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट मारा 1254 पे, फिर ऊपर जाने दो बॉक्सेस को, जब तक डॉन्चन ट्रेंड मेरा नेगेटिव है तब तक मैं सेल में बैठूंगा, इसको भग जाने दो, कितना भगता हो, ऊपर ये आया कितना आया राजे सर, यहाँ देखना यहाँ पे थोड़ा सा तिकोना बना ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा लॉट शॉर्ट मारूंगा, ये लेवल बताना कितने का है, क्लोजिंग वैल्यू बताओ ना सर, क्लोजिंग वैल्यू ऊपर दिख रही है आपको, 1322, ठीक है, तो हमने 1322 पे शॉर्ट किया, हमने 1254 पे शॉर्ट किया और बैठे रहे, नीचे कितना आया राजेश सर, अब बताना क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 1220, प्रॉफिट बुक, यस सर डेफिनेटली, जबरदस्त प्रॉफिट बुक हो गया, जबरदस्त, चलने दो, और नीचे आ गया, आने दो, आने दो। अब यहाँ पे देखना है, जैसे डॉन्चन चैबल ग्रीन हुआ, ग्रीन के नीचे टाइमिंग कितना दिखा रहा है, 12:30, 12:30, अगले कैंडल पे 12:30, उसके बाद 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, 12:30, और यहाँ पे जाके टाइम चेंज हुआ 1:30, तो जैसे टाइम चेंज होगा 1:30, उससे पहले वाला कैंडल जो आखिरी कैंडल है 12:30 वाला, जो आखिरी बॉक्स है, नॉट कैंडल, आखिरी जो बॉक्सेस पे मैं बाय कर लूंगा, आखिरी बॉक्स की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है सर ऊपर बताना, 1301, ऊपर कितना चला गया, 1391, प्रॉफिट आ गया अच्छा खासा, फिर नीचे गिरता रहा मैं बाय करता रहा, अभी एक और बताऊंगा इसके अंदर ट्रिक, अभी तो सर आपको बाय सेल दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, उसके बाद देखो कितना ऊपर चला गया, 1628, मतलब सर 1638, जो ग्रीन बेल्ट हमारा जो है जी, वहीं पे जो जो स्टार्ट हुआ उसका हमें टाइम नोट करना है, जैसे वो टाइम चेंज होगा होगा उसके अगले कैंडल पे हमें बाय या सेल करना है, बस बस तुरंत ले लेना, अब ये बॉक्सेस है वो 1 आवर्स का नहीं होता है ना, वो तो अपने हिसाब से होता है, बॉक्स होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरे को 1 पिप का बॉक्स चाहिए, ओके, और टाइम फ्रेम डिसाइड करती है 1 घंटा, अब 1 घंटे के अंदर जितने भी बॉक्सेस बने मेरे को वो करना है, ओके, अब यहाँ पे देखो 11:30 बज रहे हैं सर, यस सर, अगला टाइम फ्रेम कितने का होगा, 12:30 का जी, देखता हूँ कितना होता है, 11:30, 11:30, 11:30, ये 12:30, ये 12:30, ये 11:30, ये वाला 12:30 से एक बॉक्स पहले मैंने ये शॉर्ट कर दिया, ऊपर क्लोजिंग वैल्यू आ रही है 1.1534, ठीक है, मैंने शॉर्ट कर दिया, ये नीचे आया सर 1517, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और ये ऊपर ट्रायंगल बना दिया इसने, यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक लॉट और शॉर्ट कर दिया, कितने पे, 1552 पे,
उसके बाद एक ट्रायंगल और बना 1590 पे, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। एक ट्रायंगल और बना 1617 पे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मैं बैठा हूँ आराम से जब तक ये प्रॉफिट नहीं देता मेरे को। नीचे कितना आ गया, 1481 प्रॉफिट बुक। यस सर। सारे प्रॉफिट बुक 100-100, 150-150 पिप के प्रॉफिट बुक। सर बिग टाइम फ्रेम में इतनी अच्छी मूवमेंट और अच्छी, इतना अच्छा पिप, तो मतलब अभी आप देखो कितना गिर रहा है। ओके वो और गिर रहा है। आपको इसमें और एक और तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो नीचे टाइम कितना आ रहा है सर, 7:30 बजे का जी। यहाँ जाके बदला टाइम, इससे 1311 या 1312 ले लेते हैं। हाई कितना मारा, 1373। नीचे आने दो, अभी तक बाय में चल रहा है सर। वो एक ही दिन में ये मूवमेंट आ चुका है या फिर ये नहीं, ये एक ही दिन में आ चुका है यहाँ पर। 1372 तक तो उसी दिन मूवमेंट आ गया था। ये है फ्राइडे की बात, ये फ्राइडे की बात है। पहले तो गिर रहा था ये, बाद में बढ़ा ये, तो हमने बाय कर लिया फ्राइडे को, और अब तक फ्राइडे से लेकर अब तक बाय में चल रहा है। और अभी हाई है 1440 का, ये तो बॉक्स का हाई है। एक्चुअल हाई तो आप जानते हो कितना लगाया है इसने, आया मजा। यस सर डेफिनेटली। ठीक है अब इसको यूरो यूएसडी में और बताता हूँ ट्रेड कर। सर ये छोटे टाइम फ्रेम में काम कर सकता है, करेगा करेगा, उसमें स्कैल्पिंग, उसमें क्या नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके, ये बार बार बाय सेल कराएगा। हाँ कौन से टाइम फ्रेम, देखो सर अगर आपको आईबी, अगर आपको आईबी कमीशन बनानी है और प्रॉफिट भी कमाना है, तो आप इसको 5 मिनट में भी ले सकते हो, 15 मिनट में भी ले सकते हो। ओके अगर एज ए ट्रेडर खाली आपका पर्पस है प्रॉफिट बनाने का, तो आप जो मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ उससे बनाओ। आईबी कमीशन बनानी है, पैसे भी बनाने हैं, तो आप उसमें आ सकते हो 5 से 15 मिनट। और कुछ चेंज नहीं करना है। चाहो तो इसके पिप के बॉक्सेस, जो बॉक्स मैंने एक पिप का बनाया, आप 2 पिप बना के, 4 पिप बना के टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी सर। और वो हमें जो जो ग्रीन बेल्ट आ चुका है, तो उसका टाइम क्या रखना है, वो कैसे देखना है, वो सब आपको, ग्रीन बेल्ट का टाइम कुछ नहीं, 500 है तो 500 ही रहना दो उसको, अब उसको चेंज करके देखते रहना। समझ लो कि हम 3:30 बजे का वो कैंडल लेते हैं, तो टाइम चेंज होता है 4:30। आपने 5 मिनट का यूज किया आपने टाइम फ्रेम, तो 3:30 का अगर बॉक्स है, तो अगला टाइम फ्रेम होगा 3:35 का। ओके जितने का टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट बाद टाइम फ्रेम बॉक्स चेंज होता रहेगा। हाँ ठीक है ना। ओके समझ। तो ये वन ऑफ दी, मतलब ये ऐसे जैकपॉट है। मैंने आपको क्या बोला, जो रोबो मैंने बनाया वो सारी स्ट्रेटेजीज मैं बता चुका हूँ, एडवांस क्लास में बताया हूँ, वेबिनार में भी बताया हूँ, और जो अब आपको बता रहा हूँ ये और भी जबरदस्त है। नहीं सर ये तो बेहतरीन है, बेहतरीन है, ठीक है ना। तो मेरा फोकस अभी देखो वो ये कि पैसा बनाना नहीं है, रिसर्च में मैं इतना लगा रहता हूँ कि मेरे को लगता है कि पैसा बनाना तो मतलब आसान काम है, बहुत आसान काम है वो, तो मैं रोबो पे नहीं कूदता अगर कुछ लोग मेरे उंगल नहीं करते तो, ठीक है ना, नहीं तो मैं अभी पढ़ रहता ऐसे चलता रहता रिसर्च में मेरा। सर चलो सर ये जो रेमको जो आपने किया ना उसका सेटिंग दोबारा बता दो, मेरे में हो नहीं रहा है। हाँ एक बार ये बैक टेस्ट कर लूँ सर, फिर बता देता हूँ आपको, पूछ लेना मेरे से, है ना। ओके ओके। देखो सर नीचे टाइम फ्रेम कितना कितना आ रहा है, 8:30 बजे आ रहे हैं, 8:30, 8:30, ये 9:30। तो ये वाला जो लेवल है 9779, इससे हमने बाय किया, ऊपर गया 9599, फिर नीचे आ गया 9845, 9861। इतने बार तो हमने कई बार प्रॉफिट बुक कर ही लिया, ठीक है ना। ये देखो अभी तक बाय में चल रहे हैं, हम यहाँ पे सेल आया 13:30, ये 14:30 यहीं पर ही 9756 पे शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करने के बाद कितना बग गया ऊपर, 9856 के आसपास ने बाय करा दिया हमें। इसको इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टॉप लॉस वाली थ्योरी है। ये देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया 9756 के आसपास,
नीचे गया ये 9741 प्रॉफिट बुक नहीं किया और ऊपर भग गया है प्राइस। फिर तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का दिखा दिया 8:30 बजे, समझ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो, यस सर, ये समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस ट्रेड है, ठीक है ना। 9756 पे हमने शॉर्ट किया था, ऊपर भग गया, अब यहाँ पे देखो ग्रीन बन गया नीचे, तो 8:30 बजे का टाइम है ऊपर, ये 9:30 बजे इसने बाय दिखा दिया 9854 पे, मोटा मोटा मान के चलो स्टॉप का नुकसान हो गया आपका। 9854 पे आपने बाय कर लिया, उसके बाद कितना ही लगाया 9894 9966, 100 पिप कवर, यस सर, उसके ऊपर भी आगे लो 1.0037, अब तो प्रॉफिट बुक कर ही लोगे जब 100 पिप कवर हो गया तो। इससे पहले ही कर लिए सर, और ऊपर लगे तो यार 10093, ठीक है, यहाँ पे अब शॉर्ट दिया इसने 12:30, ये 13:30, 9944 पे शॉर्ट कर दिया आपने, लो लगाया 9934, इधर लो लगाया 9924, इधर लो लगाया 9876, फिर ऊपर भग गया, फिर नीचे आ गया 9866, कंटिन्यूस नीचे, ये लो साहब 9740, जहाँ पे बाय कराया इसने अब 7:30, 7:30, 7:30, 7:30, साढ़े आठ, यहाँ पर 9928 पे बाय कराया, बाय कराते ही नीचे आया 25-30 पे, फिर ऊपर भग गया 9960, फिर ऊपर भग, अच्छा अभी ऊपर ही चल रहा है 9986, अभी 1007 का लो लगाया था, 1.007 का लो हाई लगा चुका है और अभी तक बाय में चल रहा है, ये रिसेंट ट्रेड है, ठीक है सर। यस सर, ठीक है, अब इसको लगाना कैसे जिग्नेश जी, समझ लो सर ये कैंडल है, ठीक है जिग्नेश भाई, यस सर, ये कैंडल है, आपको यहाँ चार्ट में जाना है, रेनको पे क्लिक कर दिया है आपने, हाँ सर, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे जाना 3 डॉट पे, सेटिंग्स पे चले जाना, सेटिंग्स में सिंबल के अंदर यहाँ पे आएगा आपका बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड, इसको ट्रेडिशनल करना और यहाँ पे बॉक्स साइज लिखना 0.0001, ओके लगाओ जरा, आया नहीं आया बताओ मेरे को, 1 मिनट सर। सर वो चार्ट सेटिंग कहाँ से लिया आपने? ये यहाँ से सर, ये 3 डॉट बन रहे ना यहाँ पर, ओके ओके समझ गया, यहाँ से भी ले सकते हो, राइट क्लिक करके सेटिंग में भी जा सकते हो, सिंबल में चले जाओ, एक ही बात है, सिंबल के अंदर बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड, वहां पे ट्रेडिशनल कर देना, ATR होगा आपका, हाँ जी सर, ट्रेडिशनल कर दो उसको, नीचे बॉक्स साइज जो है वो 0.1001 डेसिमल, 0 पॉइंट के बाद 3 0 फिर 1, हो गया सर, हो गया, हो गया, अच्छा ठीक है सर। सर ये वो डॉन्चिन जो है उसका सेटिंग एक बार, हाँ ये सर 500 का वैल्यू डालनी है, और कुछ नहीं करना है ना इसमें ना, ये गोल्ड में भी बहुत अच्छा काम करता है आपका, लेकिन गोल्ड के अंदर क्या है, ये घंटे के चार्ट के अंदर, जैसे कि सुबह से एक घंटे की कैंडल 1668 से एकदम 1680 दिखा दी, ठीक है ना, और एक घंटे के उसको टाइम लेता है कंप्लीट होने में, तो ये 10 पॉइंट जो आपके अगेंस्ट जाएंगे ना गोल्ड के अंदर, ये आपको तकलीफ देंगे मेंटली, नहीं तो प्रॉफिट ही देगा सिस्टम, लेकिन मेंटली तकलीफ देंगे आपको, करने को गोल्ड बहुत अंदर का पड़ता है, 15 मिनट में एक बार बैक टेस्ट कराऊं सर, सर ये जो बॉक्स साइज है ना वो 0.01 ही बाय डिफॉल्ट आ जाता है, हां 0.0001 करना है आपको, और गोल्ड के अंदर लिखा था, गोल्ड के अंदर सुनो, गोल्ड के अंदर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो वहां पे अगर आप चेंज करोगे ना बॉक्स साइज, तो 0.01 करना है, या 0.2 करना है, 0.5 करना है, इस से 3 0 मत लगाना गोल्ड के अंदर, क्योंकि 2 डिजिट करेंसी है ना, 0.01 बाय डिफॉल्ट आ जाता है, हाँ ओके सर, ये क्या नाम है आपका, राजेश सर, ये 15 मिनट का चार्ट है सर,
अब आपको करना क्या है ना, देखो सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ आपको। मान के चलो आपका डॉन्चन जो ट्रेंड है वो आपका डाउन ट्रेंड में, तो जब भी आपका RSI, ये तो मैंने RSI 60-40 लगा रखा है, 70-30 है, चलो जब भी RSI आपका 70 के ऊपर जाए, तो 70 के ऊपर जाने के बाद अगर आपको ऐसा ट्राइंगल मिलता है, ऐसा ट्राइंगल मिलता है, तो वहां पे पोजिशन ऐड करते रहो शॉर्ट की। अगर ओके okay. स्कैल्पिंग भी करनी है तो स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, पोजिशन भी खेलना है तो पोजिशन भी खेल सकते हो, क्योंकि जब तक डॉन्चन आपका रेड में है ये वापस नीचे मारे गए, ठीक है ना। ओके सर, जब भी आपका ऐसा ट्रायंगल मारे शॉर्ट मार दो, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। दूसरा कि इसके अंदर डेट जो कैंडल है ना वही नहीं हाँ दिखा तो रही है, 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है ना वो नहीं आ रहा है मेरे में। आपको पेड वर्जन नहीं होगा, हाँ पेड वर्जन नहीं है सर। हाँ उस वजह से नहीं आ रहा है। अभी देखो ये ब्लैक फ्राइडे सेल चलेगी अभी 5 दिन 6 दिन बाद, ठीक है ना, दिखाता हूँ। अगर ट्रेडिंग करनी है तो अपने ले लो, 13 दिन बाद ये ब्लैक फ्राइडे सेल चालू हो जाएगी, इसमें आपको 60% ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। तो 60% ऑफ में ये वाला ले लेना, बहुत बढ़िया मतलब रहोगे आप लोग, क्योंकि जब इतना ट्रेडिंग कर रहे हो, पैसा बना रहे हो, ठीक है ना, इतना काम कर रहे हो, तो 15-16 हज़ार रुपये कोई बड़ी चीज नहीं होती आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अगर पैसा बनाना है तो सब चीज टूल्स होनी चाहिए अपने पास, इनको ले लो आप। ठीक है सर, ये देखो रेजिस्टेंस पे क्या बना है, इनसाइड डे कहाँ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस पे क्या बना है, इनसाइड डे बना है रेजिस्टेंस पे, इनसाइड डे उनके देखो नीचे आ रहा है जीबीपी यूएसडी देखते। जीबीपी यूएसडी नीचे आ रहा है, चलो। एनी अदर क्वेरीज, मजा आया राजेश सर? श्योर sure, सर मजा आया। अभी 15 मिनट में देख लेते हैं क्योंकि हाँ देख वन लो, आवर में 15 मिनट तो में नहीं। आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लो सर, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, चल लो आप हिसाब से, मतलब अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी देगा आपको, जबरदस्त है। बस थोड़ा सा क्या है कि कई बार अगेंस्ट जाता है, तो उस वक्त मेंटल होना चाहिए सुकून, नहीं तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देता है सिस्टम वाला। थैंक यू पवन जी, ठीक है ना। और इसमें अगर थोड़ा सा बड़ा पेशेंस हो ना, 400-500 पिप का अगर, तो डेली चार्ट में बड़ा अच्छा काम होता है इसके अंदर, पोजिशनल में जी शानदार काम होता है। जिसके बाद जॉब गोइंग वाले लोग हैं, इनका समय नहीं है, तो पोजिशनल में बहुत शानदार काम होता है इसके अंदर। चलो गाइस ठीक है, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक थैंक यू वेरी मच सर। यू, थैंक यू।